हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे। तो अभी यहाँ पर देखिए मम्मी यहाँ पर बैठे हैं। तो मम्मी धूप सेक रहे हैं, ठंड लगी? अच्छा, क्या रिचार्ज ख़त्म हो गया? तो मम्मी के फ़ोन में हो गया रिचार्ज ख़त्म। ये देखिए मम्मी का फ़ोन लावा का फ़ोन है। तो रुको अभी करता हूँ चेक ना, एक मिनट रुको आप। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ ग्राफ्टिंग करने अपने खेत के लिए। तो आज मैं ग्राफ्टिंग करूँगा नाशपति की। ग्राफ्टिंग थोड़ी सी हमारी बच गई थी, बाकी तो हमने कर ली थी। और उसके बाद हमने टेबल ग्राफ्टिंग भी करनी है कुछ दिनों में, जो मैंने पॉली बैग लेके आया था उसमें हमने ग्राफ्टिंग करनी है। तो ये हमारे ग्राफ्टिंग टूल किट्स, ये देखिए हमारे की आ रही है, कैंची है, और ये हमारा चाकू है, और ये हमारा कागज़ जो कलम में बांधने के लिए होता है। तो इन सब चीज़ों से हम ग्राफ्टिंग करेंगे, तो बने रहना पूरे वीडियो में। तो वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजफुल होने वाली है। तो आज आपको हम सिखाएंगे कि टंग ग्राफ्टिंग किस तरह से की जाती है और उसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है और कैसे आप अपने बगीचे में टंग ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं तो घर से निकलने वाला हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट वैसे कर दिया है। तो चलते हैं खेत की तरफ और खेत में आपको दिखाएंगे किस तरह से टंग ग्राफ्टिंग की जाती है। तो चलिए ठीक है मम्मी जी, मैं निकला भी है ना। ओके तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आप टंग ग्राफ्टिंग कर सकते हैं अपने पेड़ों में। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये टहना काट लिया है। तो आपको मैं अब दिखाऊंगा कि किस तरह से आप टंग ग्राफ्टिंग करें। तो ये देखिए आप, यहाँ देखिए, तो क्या होता है कि इसको सबसे पहले हमने इस तरह से छीन होता है एक साइड से। आपको चाकू सावधानी पूर्वक चलाना होगा। ये देखिए ये दो तीन कलमे में यहाँ पर लमकी कर रहा हूँ। तो आपको दिखा देता हूँ। तो आज जो चुल्ली का प्लांट होता है वो क्या होता है कि वो ज़्यादा सख्त होता है जो इसके छीलने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसमें चाकू इस तरह से फंसा लेंगे और हल्के से इसमें कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमने कट कर दिया है। तो इसके बाद अगला जो स्टेप होता है, ये देखिए हमारी यहाँ पर कलम की एक कलम है। तो कलम कैसे बनाए, कलम भी मैं आपको बनाना सिखा लेता हूँ। आप क्या करें, इस तरह से इसको आराम से इस तरह से छील लें, इस तरह से लंबा कट मारकर, और यहाँ से आप इसको ऐसे काट लें और ऊपर से आप इस तरह से काट लें। तो ये हमारी कलम बन चुकी है। और इसको बिठाने का जो आसान तरीका है, आप इस कलम को इस तरह से बिठाइए। ये देखिए इस तरह से बिठाकर, जो नीचे की साइड का होता है वेस्ट मटेरियल, उसको आप यहाँ से इस तरह से कट कर लें। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर से काट कर हम इसमें इस तरह से इसको कट कर लेंगे। तो आप कलम को जितना आपने घाव दे रखा है इसका कट करके, उतने में ही आप इस कलम को लगाएं। तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, तो अब हमारी कलम पूरी तरह से बैठ चुकी है। तो उसके बाद जो फाइनल जो हमारा वर्क रहता है वो ये है कि आपको कलम किस तरह से बांधना है। तो ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे वाले साइड से इस तरह से कागज़ को इस तरह से रखना है और आराम से इस तरह से ऊपर की तरफ रोल करना है। ये देखिए और ऊपर वाली साइड में ध्यान रहे कि इसमें कोई छेद ना रहे या गैप ना रहे, क्योंकि इससे क्या होगा ऊपर से पानी पड़ता रहेगा और ये कलम हमारी सड़ जाएगी फिर बाद में। तो ये देखिए आप इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से गांठ बांध ली इसमें, और ये हमारे यहाँ पर कलम लग चुकी है। ये है टंग ग्राफ्टिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका। तो इस तरह से आप अपने बगीचे में टंग ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो एक और कलम आपको मैं कर के दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से क्या करें आप, इस तरह से इसको नीचे से ऊपर की तरफ छील लें।
इस तरह से छीलने के बाद इसमें थोड़ा सा कट मार दे, ये देखिए जी, ये हमने इसमें कट लगा दिया है। और फिर से आपको क्या करना है, कलम बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ से आराम से इसको इस तरह से छीलना है और इस तरह से कट लगाना है। ये देखिए, ये कलम हमारी बन चुकी है। इसको कहते हैं टंग ग्राफ्टिंग, इस तरह से टंग की तरह बननी चाहिए। और इसको थोड़ा सा हल्का हम और छीलेंगे, ये देखिए। तो इसके गैप को खोलने के लिए जो हमने कटर लगाया था उसको हम कैंची भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या करना है, ध्यानपूर्वक इसको बिठा देना है। तो ये हमारी कलम यहाँ पर इस पर बैठ चुकी है। जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमने क्या करना है, कट कर लेना है। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से बांध लेंगे। सेम वही तरीका रहेगा नीचे से ऊपर की तरफ। ये देखिए, ऊपर तक आप इसको अच्छे से बंद कर लें ताकि इसमें पानी न घुसे। और ये देखिए, हमारे यहाँ पर कलम बंद चुकी है। ये देखिए, इस तरह से आराम से आप अपने खेतों में कलम कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे यहाँ पर आपको मैंने दो यहाँ पर टैम दिखा दिए हैं कि किस तरह से आप कलम कर सकते हैं टंग ग्राफ्टिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और कलम आपको मैं कर दिखाता हूँ किस तरह से कलम करनी है टंग ग्राफ्टिंग की। तो ये देखिए आप, यहाँ पर हमने पहले से इस टहने को काट लिया था। टहने को काटने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह से इसको अच्छी तरह से पहले टहने की काटने के बाद हम इसको अच्छी तरह से इस तरह से छीलेंगे। ये ध्यान ज़रूर रखें, आपको जब चाकू चलाना है तो सावधानी पूर्वक चलाना है, जल्दबाजी में ना आए। जल्दबाजी में अगर आप चाकू चलाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये देखिए जी, कलम हमारे यहाँ पर छिल चुका है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कलम किस तरह से बनानी है आपको। ये देखिए, इस तरह से कट लगाने के बाद ये देखो टंग ग्राफ्टिंग की कर, और इसको हम इस तरह से अच्छी तरह से इसमें लगा लेंगे। नीचे का वेस्ट मटेरियल चाकू से कट कर लेंगे और उसके बाद आप यहाँ देखिए बांधने का तरीका, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ये देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ, देखिए आप, ये हमारी कलम यहाँ पर बन चुकी है और ये कलम हमारी यहाँ लग चुकी है। ये देखिए,